लोकोमोटिव देखिए, गाजियाबाद का बैग। सभी पैसेंजर जो है सो गए हैं। बाकी लोकोमोटिव देखिए, गाजियाबाद का बाइप 7 लोकोमोटिव के साथ चलती है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं 500 जर्नीज, और स्वागत करता हूँ 12381 पूर्वा एक्सप्रेस का पार्ट 2 में। बाकी अब हम पहुँच चुके हैं अनुग्रह नारायण रोड। जी हाँ, बोले थे अनुग्रह नारायण रोड से वीडियो को शुरू करेंगे, बीच में आया था रफीगंज, और इस ट्रेन का यहाँ 9वां होल्ट है। बाकी इसका स्टेशन कोड हुआ AUBR। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है, और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है। बाकी अनुग्रह नारायण रोड को ना ओपन किया गया था इन द ईयर 1956 में, और अनुग्रह नारायण रोड का जो है ना नाम रखाया गया है बिहार के प्रथम जी हाँ उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के नाम पर। बाकी अपनी ट्रेन जो है अनुग्रह नारायण रोड से निकल गई है, 2 मिनट का यहाँ मात्र हॉल्ट था। बाकी आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं इस पूर्वा एक्सप्रेस का तो पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस ब्लॉग को देखिएगा पार्ट 2 को। बाकी देखिए आप इस ट्रेन का डिपार्चर, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट जी हाँ डेहरी ऑन सोन, जिसका स्टेशन कोड हुआ DOS। नंबर प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है, और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है। बाकी डेहरी ऑन सोन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के अंतर्गत। जी हाँ, बाकी डेहरी ऑन सोन में ना 76 ट्रेन का यहाँ रोजाना हॉल्ट है, 7 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 7 ट्रेन यहाँ आकर टर्मिनेट होती है जी हाँ डेहरी ऑन सोन में। बाकी डेहरी ऑन सोन को ना ओपन किया गया था इन द ईयर 1906 में, और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था इन द ईयर 1962 में। बाकी चलिए यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है, देखिए आप इस ट्रेन का डिपार्चर। बाय बाय डेहरी ऑन सोन।
हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट जी हाँ सासाराम जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड हुआ SSM। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है और 3 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में इसका काम चल रहा है। बाकी अपनी जो ट्रेन है ना, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है। बाकी सासाराम में अपनी ट्रेन 5 मिनट डिले आई है, 4:06 में टाइम था, 4:11 में आई है। बाकी चलिए हॉर्न दे दिया है, सासाराम जंक्शन। जंक्शन इसलिए कि हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन के अलावा एक लाइन और यहाँ से जाती है आरा जंक्शन की ओर। इसके बाद जो है ना आएगा भभुआ रोड, लेकिन आपसे सीधा मिलते हैं हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में, जो आएगा 5:50 में। तो चलिए सीधा मिलते हैं आपसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट जी हाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड हुआ DDU। नंबर प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आई है। बाकी अपनी ट्रेन को यहाँ आने का टाइम था 5:50 में, लेकिन आइए 5:40 में, कह सकते हैं 10 मिनट बिफोर आ गई है। और 10 मिनट का और था, लगभग 20 मिनट यहाँ हम रुकने वाले हैं। बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ओपन किया गया था इन द ईयर 1864 को, और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया है इन द ईयर 1962 को। बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ना 294 ट्रेन का यहाँ रोजाना हॉल्ट है। 16 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 16 ट्रेन यहाँ आकर टर्मिनेट होती है, जी हाँ 16 ट्रेन। बाकी पंडित दीनदयाल को जंक्शन इसलिए कहा जाता है, एक लाइन तो चली गई है जिधर अभी हम जाएंगे वाराणसी की ओर, एक लाइन जिधर से अभी हम आ रहे हैं गया की ओर, और एक लाइन जाती है यहाँ से पटना की ओर, और एक लाइन जाती है सीधा माने कि मिर्ज़ापुर लाइन, प्रयागराज शिव की लाइन। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ 20 मिनट लगभग रुकने वाली है। चलिए देखिए आप इस ट्रेन का डिपार्चर और हमारा पार्ट 2 कैसा लग रहा है, थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए आप इस ट्रेन का डिपार्चर। यहाँ से दारू कौन लेके जाएगा, दिल्ली वाला खुद सड़क पी के फेंकते हैं। बनारस होकर ना जाएगा भैया? हाँ बनारस होकर, बनारस तो पार किया होगा सर। अगर बात बनारस है, बनारसी सर पार किया। अब हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ BSV। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 9 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आई है। और 2 प्लेटफॉर्म जो है ना भाई अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में इसका काम चल रहा है। बाकी वाराणसी आता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के लखनऊ 4 डिवीज़न के अंतर्गत, जी हाँ। बाकी वाराणसी रेलवे स्टेशन पर ना 176 यानी 176 ट्रेन का यहाँ रोजाना हॉल्ट है। 41 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 40 ट्रेन यहाँ आकर टर्मिनेट होती है, जी हाँ इस वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी वाराणसी को जंक्शन इसलिए बोला जाता है कि एक लाइन तो हो गई वाराणसी अयोध्या लाइन, एक लाइन यहाँ से जाती है वाराणसी रायबरेली की ओर, एक लाइन जाती है वाराणसी सुल्तानपुर की ओर, और एक लाइन जाती है वाराणसी जी हाँ जिधर अभी हम जाएंगे जंघाई जंक्शन की ओर, और एक लाइन यहाँ से जाती है जिधर से हम अभी आ रहे हैं
पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाइन और एक लाइन जाती है गोरखपुर माऊ लाइन। बाकी इस स्टेशन को ना ओपन किया गया था इन द ईयर 1872 में। बाकी चलिए यहाँ 10 मिनट का आउट है, चलिए इसका डिपार्चर दिखाते हैं, मिलेंगे जंघाई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी कह सकते हैं 10 मिनट रुकने के बाद खुल चुकी है अपनी ट्रेन वाराणसी रेलवे स्टेशन से। देख रहे हैं पार्सिंग यहाँ जो है लोड करके उधर जाएगा पार्सिंग रूम में, यानी पार्सल रूम। अब हम पहुंच चुके हैं जंघाई जंक्शन, जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ JNH। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। बाकी जंघाई जंक्शन देख रहे हैं उतना लाइट उट का फैसिलिटी वगैरह नहीं है। बाकी इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है कि एक लाइन तो जिधर अभी हम जाएंगे, जी हाँ, प्रयागराज जंक्शन लाइन, और एक लाइन यहाँ से जाती है जफराबाद की ओर और एक लाइन जाती है यहाँ से प्रतापगढ़ की ओर। बाकी यहाँ 64 ट्रेन का यहाँ रोजाना आउट है, ना कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना कोई ट्रेन यहाँ आकर टर्मिनेट होती है, जी हाँ, इस जंघाई जंक्शन में। बाकी 2 मिनट का आउट है, चलिए इसका डिपार्चर आपको दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म देख लीजिए कितना नीचा है, जो जंघाई जंक्शन जंक्शन टाइप में तो लग नहीं रहा है, लग रहा है जंक्शन टाइप में। लाइट उड का भी उतना फैसिलिटी नहीं है, उसी के सामने तुम कुछ है नहीं, यहाँ भी पानी का फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है। और क्या वो चार के बाकी देखिए आप इसका डिपार्चर इस अंधेरे में। बजकर 12 मिनट, जी हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड हुआ PRYJ। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 10 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आई है। बाकी प्रयागराज में जो है ना भाई, अपनी ट्रेन 35 मिनट यहाँ डिले आई है और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का आउट है। बाकी प्रयागराज आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के प्रयागराज डिवीजन के अंतर्गत, जी हाँ। बाकी प्रयागराज को ओपन किया गया था इन द ईयर 1858 को और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया है इन द ईयर 1962 को। बाकी प्रयागराज को जंक्शन इसलिए बोला जाता है कि एक लाइन तो जिधर अभी हम जा रहे हैं कानपुर सेंट्रल की ओर, एक लाइन जिधर से अभी हम आ रहे हैं वाराणसी की ओर, और एक लाइन जाती है यहाँ से फैजाबाद की ओर, और एक लाइन जाती है यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाइन, और एक लाइन हो गया हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन, जी हाँ। बाकी अपनी जो ट्रेन है
यहाँ से खुलने के बाद सीधा रुकेगा आप कानपुर सेंट्रल में जो आएगा 12 बजे के बाद। लेकिन अब हम आपसे मिलते हैं सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में इस ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन पर नई दिल्ली में, क्योंकि सुबह 6 बजे नई दिल्ली हम पहुँच जाएंगे भाई। बाकी हमारा वीडियो अगर आपको पार्ट 2 अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए देखिए आप ट्रेन का डिपार्चर, तब तक के लिए हमारे तरफ से आपको गुड नाइट। सो गाइस अपनी ट्रेन जो है लगभग यहाँ 10-15 मिनट रुक गया है, मान के चलिए 12 मिनट जरूर रुका है भाई, 5 मिनट का हॉल्ट है, 12 मिनट रुकेगा तब तो डिले होगा ही ना। बाय बाय प्रयागराज जंक्शन, फिर मिलेंगे। देख रहे हैं सभी पैसेंजर जो है सो गए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:24 हो रहे हैं, अब हम पहुंचने वाले हैं आनंद विहार। अभी जस्ट क्रॉस किया था देखे आप वंदे भारत एक्सप्रेस, अब पहुंचने स्किप करेंगे अभी आनंद विहार। अभी देखिए आ रहा है बैग 12 भी लोकोमोटिव, देखिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन देख रहे हैं बैग 12 भी। बाकी चलिए आनंद विहार का आपको स्किप दिखाते हैं। पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन जी हाँ नई दिल्ली में। 1 घंटा 15 मिनट जो है ना भाई अपनी ट्रेन डिले आई है, 6 बजे टाइम था लेकिन
छः बजे नहीं आई, 7:15 में आई है। बाकी चलिए निकलते हैं बाहर और बात करेंगे इसका कोच कंपोजिशन एंड फेयर के बारे में, उससे पहले चलते हैं बाहर। और हाँ, अगर आप नई दिल्ली आते हैं तो मास्क आप ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि कोरोना का जो है ना चौथा लहर जो है दस्तक दे दिया है। चलिए बाहर चलते हैं। अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म के बाहर और जान लीजिए इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन एंड फेयर के बारे में। तो जनरल का इसमें 2 कोच है, स्लीपर का 9, थर्ड एसी का 5, सेकेंड एसी का 2 और 1 फर्स्ट एसी के साथ चलती है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। और एक पेंट्री कार भी इसमें अवेलेबल रहता है, आपको खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन हम जर्नी कर रहे थे स्लीपर कोच में, जिसका फेयर मुझे पड़ा 650 रुपया। जी हाँ, 650। बाकी आप जिसमें जर्नी कीजिएगा आप थोड़ा फेयर जो है देख लीजिएगा भाई, क्योंकि ज़्यादा बताने में जानते हैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। बाकी हमारा पार्ट 2 आपको वीडियो कैसा लगा और पार्ट 1 कैसा लगा थोड़ा दोनों का कमेंट्स कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए हमारे तरफ से जय हिंद और बाय। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वैसे हमारा यूजर आईडी भी आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का, जाइए और फॉलो कीजिए। हम कब कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कब जर्नी करने वाले रहते हैं, सारा डिटेल जो है ना भाई इंस्टाग्राम पर देते हैं, तो जाइए और फॉलो कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं ना भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दिल्ली आप आते हैं ना तो इसको ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कोरोना का चौथा लहर जो है ना दस्तक दे दिया है इस भारत में और सर्वप्रथम दिल्ली में ही दिया है। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए हमारे तरफ से जय हिंद और आपको बाय।